गणतंत्र दिवस का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ संगम नगरी प्रयागराज में भी मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। झंडोत्तोलन कर परेड की सलामी ली और केशव मौर्य ने कहा कि आज देश का 75वां गणतंत्र दिवस है और देश के लिए पहला गणतंत्र दिवस भी है और प्रदेश के सबसे बड़े जिले प्रयागराज में भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। शानदार परेड हुई है, जवानों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जिम्नास्टिक भी आए हुए हैं। लेकिन देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और वर्ष 2024 लोकतंत्र का महापर्व भी है। लोकसभा के चुनाव आने वाले प्रयाग वाले प्रदेश वालों से भी अपील है कि अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें और देश भ्रष्टाचार और गरीबी से मुक्ति की है और बढ़ रही है और देश की जो भी जरूरतें हैं मांग के अनुसार उसे धीरे धीरे पूरा करने का काम किया जा रहा है। पचहत्तरवां गणतंत्र दिवस है, देश के लिए तो पहला गणतंत्र भी, लेकिन 75वां गणतंत्र जिसे हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। आज प्रयागराज की पुलिस लाइन जो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है और यहाँ भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ, शानदार परेड हुई, यहाँ के जवानों ने अच्छा परिश्रम किया, अब बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ जिम्नास्ट आदि भी आए हुए हैं। लेकिन मैं आज के दिन सभी प्रयाग और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। 2024 लोकतंत्र के महापर्व का वर्ष भी है, लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। प्रयाग वालों से भी प्रदेश वालों से भी इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देश गरीबी से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, देश की जो ज़रूरतें हैं वह धीरे धीरे लोगों की मांग के अनुरूप पूरा करने का काम किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, 3री बनने की ओर अग्रसर है। आज हमारा देश चाहे चंद्रयान 3